हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आज ब्लॉग की शुरुआत हम करेंगे सोम भाई के साथ, जो कि अभी आने वाले हैं। हम जाएंगे IBN बतूता मॉल, सो आपको दिखाएंगे आज IBN बतूता मॉल। चौड़ी मेट्रो आ रही है सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए। तो गाइज, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ IBN बतूता मॉल और साथ में इनकी कुछ इंटरेस्टिंग कहानियाँ। इसकी इंटरेस्टिंग कहानियाँ इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने इंडिया में भी काम किया है। और जो ये इब्न बतूता थे, ये एक ट्रैवलर थे, नई नई जगह जाके एक्सप्लोर करते थे। तो जी, ये इब्न बतूता जो थे, ये मोरक्को से थे और इनका जन्म हुआ था फरवरी 25, 1304 में। तो ये कहानी तब से स्टार्ट होती है और इनको हिस्ट्री में जाना जाता है कि ये बहुत महान ट्रैवलर थे। 29 साल अपने इसी ट्रैवलिंग में ही गुजारे हैं और इन्होंने अराउंड 75,000 माइल ट्रैवल किया है। और इनको इतिहास में माना जाता है कि ये सबसे ज़्यादा यात्रा करने वाले यात्री थे। और इनके ऊपर एक किताब भी लिखी गई है जिसका नाम है रिहला। रिहला का मतलब होता है यात्रा। और ये एक मुस्लिम परिवार से हैं जो कि अच्छे खासे पढ़े लिखे भी थे, जिससे कि बाद में ये जज भी बने थे। इन्होंने अपने 21 साल की उम्र में फ़ैसला किया था कि ये हज जाएंगे। तो इनको तकरीबन हज जाने के लिए सऊदी अरब में जो मक्का है, तकरीबन उनको 1.5 साल लगा वहाँ पहुँचने में। तो मक्का की या हज़ारों मील की लंबी यात्रा करने के लिए उत्तरी अफ्रीका से होते हुए यरूशलेम जैसे शहरों से गुजरे और अपनी मक्का की यात्रा पूरी करी। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान में काफ़ी जगह घूमे और काफ़ी सारी संस्कृतियों का अनुभव लिया। तो 28 साल तक इन्होंने दुनिया के हर एक एक कोने में घूमे। बताया जाता है कि ये तकरीबन 44 कंट्रियों में घूमे हैं। वो सबसे पहले इराक और फारस, सिल्क रोड, बगदाद, तबरीज, यूके। ओके सर, टिप कैन पुट हियर ना, इफ यू वांट। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। इसलिए कि जब काम स्टार्ट होता है तो ये यहाँ से बाजा बजाते हैं और ढोल बजाते हैं कि अब काम करने का टाइम स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे कुछ गेम की एक्टिविटी होती है। हम चल रहे हैं चाइना कोर्ट की तरफ, जहाँ पे एक बंदा हमको मिलेगा। कैसे हो आप? ठीक है। हैं? एकदम बढ़िया। बढ़िया है। तो जी, आप मिल चुके हैं हमारे को प्रमोद सर। तो प्रमोद जी, कैसे हो आप? ठीक है। ठीक हो? काम कैसा चल रहा है आपका? YouTube बराबर चल रहे हैं ना? हाँ, फिलहाल तो चल रहा है। थोड़ा ये घूम के नाव दिखा दो यार। चलो ठीक है, फिर अब हम नाव दिखाएंगे। तो आप कुछ देख सकते हैं मेरे पीछे इस तरीके से बड़े वाला पत्थर के साथ। तो जो ये नाव है, ये किताब
और मोसुल जैसे शहरों का दौरा किया इन्होंने। फिर वो अफ्रीका के पूर्वी हिस्से में गए और सोमालिया, तंजानिया। फिर उसके बाद ये भारत आए, दिल्ली में इन्होंने दिल्ली के सुल्तान के लिए काम करना स्टार्ट किया। वो कुछ साल बाद वहाँ से चले गए। फिर 1345 में वो चीन की यात्रा पे निकल पड़े। फिर चीन में उन्होंने बीजिंग, हांगजो और ग्वांगजुंग जैसे शहरों का दौरा किया। फिर उन्होंने ग्रेट वॉल चाइना का भी दौरा किया। बताते हैं कि उन्होंने मंगोल खान से भी मुलाकात की थी। तब बाद में वो मोरक्को लौट गए 1354 के लगभग। ये देखो ऊपर कैसे बना रखा है इन्होंने, ऐसा लग रहा है पूरा आसमान है बट ये आर्टिफिशियल है। सत्तर में उनकी मृत्यु हो गई। ये सब बच्चों के लिए है भाई। हम भी खेल सकते हैं ना? कैसे खेलेगा? यहाँ पे कुछ बच्चों के ऐसे खेलने की चीजें हैं, बहुत बेहतरीन है। नखिल प्रॉपर्टीज़ ग्रुप ने यहाँ पे 2005 में ये IBN बतूता मॉल इनके नाम से बनाया, जो कि शेख जायद रोड पे जबल अली विलेज में है। वैसे तो नखिल ग्रुप ने काफ़ी सारे मॉल्स और काफ़ी कुछ चीज़ें बनाई हैं यहाँ पे। अगर किसी के बच्चे हैं जो खेलना चाहते हैं ऐसे गेमों को, तो इधर आके खेल सकते हैं। जो कि पाम जुमेरा है वो भी इन्होंने बनाया है, और द वर्ल्ड, जुमेरा विलेज, जुमेरा पार्क, जुमेरा हाइट्स, द गार्डन, डिस्कवरी गार्डन, अल फुरजान, वारसन विलेज, ड्रैगन सिटी, इंटरनेशनल सिटी, जबल अली गार्डन और अल नाद। लगभग कुल मिला के 15,000 हेक्टेयर से ज़्यादा इन्होंने काम किया है और 2.5 लाख से अधिक घर बनाए इन्होंने। तो जी कुछ इस तरीके से था बतूता मॉल, इस तरह है बतूता मॉल। और आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। आप लोग के वीडियो के नीचे लाल बटन में जैसे भी आप लोग टच होना चाहिए, उसमें चाहे आप लोग फूल फेंको, चाहे पत्थर, चाहे तो चप्पल, चाहे तो जूते, जो भी फेंको, लेकिन उसमें लगना चाहिए, लगना चाहिए।